वन क्लिक एंड गेट सॉल्यूशन। हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पॉलीनोमियल के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको क्लियर कर लिया था, सिर्फ क्या बचा था, क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ क्यूबिक पॉलीनोमियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है, क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो हम लोगों जो क्यूबिक पॉलीनोमियल होता है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्यूबिक पॉलीनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ी थी। क्यूबिक पॉलीनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये जो होती है हम लोगों की क्यूबिक पॉलीनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। और बराबर में हम लोगों ने क्या मान लिया, क्यूबिक पॉलीनोमियल वो क्या है, एफ एक्स। क्या है? एफ एक्स। क्यूबिक पॉलीनोमियल में हम लोगों ने और भी कुछ पढ़ा था, क्यूबिक पॉलीनोमियल में जो मैक्सिमम डिग्री होती है, जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो कितनी होती है, तीन। कितनी होती है? तीन। यानी कि क्यूबिक पॉलीनोमियल में जो एक्स की वैल्यूज निकलेंगी कितनी निकलेगी, तीन। हमने बताया था जितनी डिग्री होंगी, जितनी डिग्री होंगी उतने ही हम लोगों के एक्स के वैल्यूज निकलेंगे, एक्स के वैल्यूज निकलेंगे। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो क्यूबिक पॉलीनोमियल है उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, तीन है, ठीक। मैक्सिमम डिग्री तीन होने के कारण जो क्यूबिक पॉलीनोमियल है उसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, तीन, ठीक। हम लोगों ने मान लिया कि जो क्यूबिक पॉलीनोमियल है उसके जो जीरोस निकलेंगे, जीरोस मैंने कल आपको बताया था, जीरोस क्या होते हैं, वो वैल्यूज एक्स की या वेरिएबल की जिनको पॉलीनोमियल में पुट करने से पूरा पॉलीनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। तो हम लोग इस क्यूबिक पॉलीनोमियल के जीरोस को क्या मान लेते हैं, लेट जीरोस ऑफ क्यूबिक, क्यूबिक पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल बी हम लोग क्या मान लेते हैं, जो इस पॉलीनोमियल के जीरोस होंगे, मान लेते हैं एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा और एक को मान लेते हैं गामा। ये क्या लिखा है, गामा। एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा और लास्ट वाले को मान लिया क्या, गामा। यानी कि अगर हम लोग एक्स की जगह पे अल्फा पुट करेंगे, अगर हम लोग इस इक्वेशन में एल्फ की जगह पे क्या पुट करेंगे, अल्फा, तो ये पूरा जो पॉलीनोमियल है वो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हम लोग x की जगह पे बीटा पुट करेंगे तो ये जो पॉलीनोमियल है क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरीके से अगर x की जगह पे गामा पुट करेंगे तो ये पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि अगर हम लोग x की जगह पे अल्फा पुट करते हैं तो हम लोग का पॉलीनोमियल जीरो हो रहा है, x की जगह पे बीटा पुट करते हैं तो पॉलीनोमियल जीरो हो रहा है। इसी तरीके से जब x की जगह पे गामा पुट करेंगे तो पॉलीनोमियल क्या होगा, जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा, अब देखिए ध्यान से। अगर इस अल्फा को इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, x माइनस अल्फा बराबर जीरो, ये एक ब्रैकेट बन गया। उसी तरीके से इस बीटा को उधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, x माइनस बीटा बराबर जीरो, ये दूसरा ब्रैकेट बन गया। उसी तरीके से इस गामा को उधर लेके आएंगे तो बनेगा x माइनस गामा इज इक्वल टू जीरो। ये तीन फैक्टर्स बने लोगे, क्या बने, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, x माइनस गामा इज इक्वल टू जीरो। यानी कि इस क्यूबिक पॉलीनोमियल को सॉल्व करने के बाद हम लोगों के तीन ब्रैकेट्स बनेंगे, ये और ये। याद होगा मैंने बताया था कि जब हम लोग कोई भी पॉलीनोमियल सॉल्व करते हैं उसके बाद ब्रैकेट्स बनते हैं, फिर उन ब्रैकेट्स को जीरो के इक्वल लगते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये तीनों ब्रैकेट तो पहले से जीरो के इक्वल है, ये तीनों ब्रैकेट्स तो पहले से जीरो से इक्वल है। इससे जस्ट पहले की कंडीशन क्या होगी, ये सब एक पॉलीनोमियल में लिखे होंगे। तो हम लोग मान लेते हैं वो जो पॉलीनोमियल होगा वो क्या होगा, एफ एक्स बराबर के एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। यहां पे जो के है, ये जो के है वो हर क्वेश्चन के लिए के अलग होगा, किसी के लिए वन होगा, किसी के लिए टू होगा, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। और बाकी के ये तीन हम लोगों के फैक्टर्स हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो देखिए, जब ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, के इसको जब इससे करेंगे तो आएगा एक्स, एक्स को इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को बीटा से करेंगे तो माइनस का एक्स बीटा,
माइनस के अल्फा को एक्स से करेंगे तो माइनस का अल्फा इंटू एक्स माइनस का अल्फा एक्स, ठीक। माइनस के अल्फा को माइनस के बीटा से करेंगे प्लस और अल्फा बीटा, क्लियर। और आखिरी वाला ब्रैकेट क्या बचा, एक्स माइनस गामा, क्लियर। अब देखिए हम लोग इस एक्स को इस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, इस एक्स को जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब, क्या आएगा एक्स क्यूब। इस एक्स को जब इससे करेंगे तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बीटा, माइनस का एक्स स्क्वायर बीटा। इस एक्स को जब इससे करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर अल्फा, माइनस का एक्स स्क्वायर अल्फा। इस एक्स को जब इससे करेंगे आएगा तो प्लस का अल्फा बीटा एक्स। सिमिलरली इस गामा को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के गामा को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर गामा माइनस। अब इस माइनस के गामा को माइनस के एक्स बीटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा एक्स बीटा गामा। सिमिलरली जब इस माइनस के गामा को माइनस के अल्फा एक्स से करेंगे तो आएगा प्लस का अल्फा गामा एक्स। और लास्ट बचा इस माइनस के गामा को जब अल्फा बीटा से करेंगे तो आएगा माइनस का अल्फा बीटा गामा। बहुत बड़ी सी हम लोगों की इक्वेशन बन गई। अब हम लोग आखिरी में क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उनको साथ में लिखेंगे, उसके बाद जो एक्स वाले टर्म है उनको साथ में लिखेंगे। जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो देखिए ये है, ये है, ये है, और जो एक्स वाला टर्म है वो देखिए ये है, ये है और ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको साथ में लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या करा, पहले तो के से मल्टीप्लाई करा तो आएगा के एक्स क्यूब, फिर इस k को इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे तो k मिलेगा हमको बाहर कॉमन, और सब में देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है तो सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा और सब में से माइनस साइन कॉमन मिलेगा क्योंकि तीनों टर्म काहे में है, निगेटिव में, तीनों टर्म किसमें है, निगेटिव में है, तो मैंने माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया तो कॉमन क्या मिल गया इन तीनों में से, इसमें से इसमें से इसमें से माइनस का के एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हटा देंगे तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर क्या लिखेंगे, माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखिए ध्यान से, यहां पे कॉमन क्या मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है एक्स 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 काहे का प्लस का, तो यहां पे क्या लगेगा प्लस, क्या कॉमन मिला एक्स, और किससे मल्टीप्लाई करा था हम लोगों ने, कैसे किया था ना, के से मल्टीप्लाई किया था तो क्या बनेगा, के एक्स मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। जब मैंने इसमें से और इसमें से एक्स और इनटू के कॉमन लिया तो क्या बचा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और लास्ट वाला टर्म क्या बचा, अल्फा बीटा और गामा इनटू के, इनटू के। तो ये हम लोगों का मल्टीप्लाई करने पे आ गया, ठीक है। अब देखिए लास्ट स्टेप, यहां पे क्या लिखा था, एफ एक्स, क्या लिखा था, एफ एक्स बराबर। अब अगर हम लोग इन सब में से के कॉमन ले लें, मतलब कि अभी आप कहेंगे कि मैंने कैसे मल्टीप्लाई करा, आप कह रहे हैं फिर मैंने के करा, मैंने एक इक्वेशन बनाने के लिए के को बाहर रखा, इस स्टेप को देखिए, के को मैंने बाहर ही रखा, रहने दिया। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब, क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस के, तो बाहर आ गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर, क्या बचा, एक्स स्क्वायर। ये क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, जीरोस, तो ये तीनों का सम किया गया तो इसे ये ले सकते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस प्लस, इसमें से मैंने के को बाहर निकाल दिया, बचा यहां पे क्या, एक्स, क्या बचा, एक्स। यहां क्या लिखा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि हम लोग यहाँ पे दो जीरोस को प्रोडक्ट करके सबको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, टू जीरोस, मतलब कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, यानी कि दो जीरो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जितने भी मल्टीप्लाई करने पे आ रहे हैं सबको ऐड कर रहे हैं। अब आखिरी वाले में से देखिए, हम लोगों ने के बाहर निकाल दिया, क्या बचा, माइनस का अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है, जीरोस है, यानी कि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
तो ये जो हम लोगों की बड़ी सी इक्वेशन बनी है, यही इक्वेशन कहलाती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। क्या fx is equal to k ब्रैकेट में x क्यूब माइनस का x स्क्वायर ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस प्लस x ब्रैकेट में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। तो ये थी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन बनी थी fx equal to k के फॉर्म में, अब हम लोग इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने जा रहे हैं। कौन सी? ये वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने जा रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग। तो जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहां पे x क्यूब के साथ में क्या लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है, और यहां पे x क्यूब के साथ में क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, a बराबर k, क्या ले सकते हैं, a बराबर k। अब देखिए यहां पे x स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, माइनस का k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहां पे x स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ, b। तो क्या ले सकते हैं, b बराबर माइनस का k ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक इसी तरीके से इस x के साथ में क्या लिखा हुआ है, k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या लिखा हुआ है, k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया इधर x के साथ में क्या लिखा हुआ, c। तो ये मिल गया हम लोगों को c। इसी तरीके से इधर क्या लिखा हुआ है, इसमें से जब हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, माइनस का k अल्फा बीटा गामा, आखिरी में कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या दी गई है, माइनस का के अल्फा बीटा गामा इंटू के, और यहां पे आखिरी में कॉन्स्टेंट क्या दिया गया, डी। तो ये चार हम लोगों के वैल्यूज मिले, कोएफिशिएंट की हम लोगों को ये चार वैल्यू मिली, क्लियर है। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अब हमने क्या करा, इस बी में से इस ए को डिवाइड किया, इस बी में से इस ए को डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, जब बी में से ए को डिवाइड करेंगे तो देखिए लिखेंगे माइनस का के, ऊपर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अपॉन में लिखेंगे के, ये के और ये क्या कैंसिल, ये माइनस का इधर जाएगा तो आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। तो एक फॉर्मूला हम लोग का ये मिल गया। ठीक इसी तरीके से जब सी को ए से करेंगे तो के और के कैंसिल हो जाएगा तो सी अपॉन ए क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। कैसे करेंगे, देखिए जब इसके अपॉन में ये लिखेंगे तो ये अपॉन के आएगा तो यहां पे भी के होगा, यहां पे भी के होगा तो के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सी अपॉन ए कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब डी को हम लोग ए से डिवाइड करेंगे, जब हम लोग डी को किससे डिवाइड करेंगे, ए से, तो क्या आएगा, ये के और ये के कैंसिल आएगा तो माइनस का आएगा अल्फा बीटा गामा, इस माइनस को इधर भेज देंगे तो आएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए, क्या आएगा, माइनस का डी अपॉन ए। तो ये आ गए हम लोगों के सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जिस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में हम लोगों ने दो रिलेशन निकाले थे, उसी तरीके से हम लोगों ने क्यूबिक पॉलीनोमियल में तीन रिलेशन निकाले। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो हम लोगों ने जो आखिरी वाली हेडिंग पढ़ी थी उसमें क्या बोला था, रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल। तो हम लोगों ने क्या करा, इसमें रिलेशन निकाल लिया क्यूबिक पॉलीनोमियल के कोएफिशिएंट में और उसके जीरोस में। तो ये तीन रिलेशन बन के आ गए, ये तीन रिलेशन बन के आ गए और ये इक्वेशन बन के आई है। तो अब देखिए हम लोगों का टोटल आया क्या, पूरा इतना हम लोगों ने प्रूफ की, प्रूफ करने के बाद हम लोगों के चार फॉर्मूले हम लोगों को मिले, प्रूफ करने के बाद हम लोगों को कितने फॉर्मूले मिले, चार। पहला फॉर्मूला क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या था ये, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आया, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक इसी तरीके से जब हम लोगों ने निकाला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकाला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
तो ये क्या आया सी बाई ए, और ये होता क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। और उसी तरीके से एक और मैंने निकाला था प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस, क्या निकाला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकल के आया था माइनस का डी अपॉन ए, माइनस का डी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो ये तीन हमारे फॉर्मूले निकल के आए थे और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं रिलेशन बिटवीन, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देयर कोफिशिएंट, देयर कोएफिशिएंट एफिशिएंट। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देयर कोएफिशिएंट, पहला ऊपर लिखा है, दूसरा ये निकला हम लोगों का और आखिरी ये निकला। और जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो सॉल्व करने के साथ साथ हम लोगों ने एक इक्वेशन भी बनाई थी एफ एक्स बराबर के ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा और प्लस बीटा गामा और माइनस का अल्फा बीटा गामा। और ये हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन किसकी आई थी क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। तो ये हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया और जो इक्वेशन निकाली थी वो निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व कैसे होती है हम लोग वो जानेंगे। तो आइए देखते हैं, आइए अब जल्दी से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हम लोगों के क्यूबिक पॉलिनोमियल बेस है, हम लोग को क्या करना है इन क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। तो पहले बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की। तो जो पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2। मैं पहला क्वेश्चन यहां उठा लेता हूं, पहला क्या लिखा है एफ एक्स बराबर 2x³ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और लास्ट का प्लस का 2। अब हम लोग क्या करेंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, मैंने आपको बताया था x की ऐसी वैल्यूज रखेंगे जिसको रखने के बाद ये जो पॉलिनोमियल है क्या बिकम हो जाएगा जीरो, द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। मतलब हम लोग x की ऐसी ऐसी वैल्यूज रखेंगे, वैल्यूज रखने के बाद ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए शून्य हो जाए। तो देखिए जब हम लोग x की जगह पे जीरो रखेंगे, हम लोग के नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, इसलिए मैंने x की जगह पे क्या रखा जीरो। जब मैंने x की जगह पे जीरो रखा तो f जीरो बराबर क्या आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे टू, टू बचा ना, लेकिन मैंने क्या कहा था एफ एक्स जीरो होना चाहिए। तो यानी कि हम लोग एक्स की जगह पे जीरो नहीं रखेंगे। अब हम लोग एक्स की जगह पे वन रखते हैं, रखा वन, तो यहां पे हो जाएगा क्या होगा, यहां पे हो जाएगा एफ वन बराबर, यहां पे हो जाएगा टू, वन का क्यूब कितना होता है वन और वन टू जा टू प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है वन तो वन का स्क्वायर कितना होगा वन माइनस का फाइव एक्स, 5x 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 और प्लस का 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना 5 माइनस 5 बराबर 0। यानी कि जब हम लोग x की जगह पे 1 पुट करेंगे, जब हम लोग x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है। यानी कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर क्या निकला x बराबर, अगर फैक्टर में इसको चेंज करें तो 1 को इधर भेज देंगे क्या होगा x माइनस 1 बराबर 0, क्या होगा x माइनस 1 बराबर 0। फिर मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था ना कि इस x माइनस 1 जो ब्रैकेट बनेगा इसको तीन बार लिखेंगे, ये देखिए मैंने इसको तीन बार लिखा x माइनस 1 और x माइनस 1। ठीक, अब देखिए हम लोग पहले वाले टर्म को, जो पहला वाला टर्म है उसको ऐसे टर्म से, ऐसे वेरिएबल, ऐसे किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं कि पहला वाला टर्म निकल के आ जाए। तो यहां पे लिखा है x, यहां पे क्या लिखा है x, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x³ आ जाए, x को
किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि कितना आ जाए, 2x क्यूब आ जाए। इस x को नीचे भेजें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x क्यूब अपॉन में x, करते कितना आ गया x स्क्वायर, तो कितना आ गया 2x स्क्वायर। यानी कि अगर इस वाले ब्रैकेट को हम लोग 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा हमको, 2x क्यूब मिलेगा। यहां पे क्या मिलेगा, 2x क्यूब मिलेगा। फिर उसके बाद इस 2x स्क्वायर को माइनस के 1 से करेंगे तो मिलेगा माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर। क्या ये माइनस का 2x स्क्वायर हम लोगों की इक्वेशन में दिया गया है, नहीं दिया गया। क्या दिया गया है, प्लस का x स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर। तो अब इसमें हम लोग ऐसा क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हम लोगों को प्लस का x स्क्वायर मिल जाए। तो अगर इसमें हम लोग प्लस का 3x स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा। यानी कि इस वाले ब्रैकेट में हम लोगों को चाहिए 3x स्क्वायर, इस वाले ब्रैकेट में क्या चाहिए, 3x स्क्वायर। यानी कि इस x को किससे मल्टीप्लाई करें, इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या मिले हम लोगों को 3x स्क्वायर। वही काम, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, x को नीचे भेजेंगे तो बचेगा 3x। यानी कि अब क्या बना, इस ब्रैकेट को हम लोग करेंगे 3x से, किससे करेंगे, 3x से। और काहे का चाहिए था हम लोग को, प्लस का चाहिए था ना, तो प्लस के 3x से करेंगे तो मिलेगा प्लस का 3x स्क्वायर, प्लस का 3x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर, x स्क्वायर बचा। तो हम लोगों को सेकंड टर्म भी आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब इस प्लस के 3x को माइनस के 1 से करेंगे तो मिलेगा माइनस का 3x, माइनस का 3x। लेकिन हमको चाहिए क्या है, माइनस का 5x। क्या चाहिए, माइनस के 5x। तो माइनस के 5x में ऐसा क्या जोड़ें या ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि कितना आ जाए, माइनस का 5x। तो क्या करेंगे, माइनस का 2x जो है हम लोग इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5x। यानी कि इस जगह पे हमको चाहिए माइनस का 2x, माइनस का 2x। x तो पहले से है, माइनस का 2 लाना है, तो यानी कि इस ब्रैकेट को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा को, माइनस का 2x और माइनस का 2x, माइनस का 3x कितना हो जाएगा, माइनस का 5x। तो हम लोगों का ये वाला टर्म आ गया। अब लास्ट क्या बचा, 2। अब इस माइनस के 2 को माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हम लोगों का ये 2 भी आ गया। यानी कि हम लोगों ने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब ध्यान से देखिए बराबर में क्या लिखा होगा, एफ एक्स, बराबर में क्या लिखा हुआ होगा, एफ एक्स। अब देखिए इस पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल में से कुछ कॉमन मिल रहा है, इस पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल में से कॉमन क्या मिल रहा है, इस पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल से हम लोगों का एक्स माइनस 1 कॉमन मिल रहा है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। ये बचा कि नहीं बचा, कितना पता, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। ठीक, अब देखिए, अब मैंने बताया था कि यहां पे क्या लिखेंगे, fx। ये तो बन गया हम लोगों का एक फैक्टर, यहां से तो पता है x की वैल्यू बना जाएगी। ये क्या बना, ये क्या बना, ये बन गई हम लोगों की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन पता है, जो मैंने आपको सिखाया था, क्या था, a को c से मल्टीप्लाई करो, a को c से मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं, किसको, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2 को। a को c से मल्टीप्लाई करो, a कितना है 2, c कितना है 2, तो a को जब 2 से करेंगे कितना आएगा, 4। तो 4 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे 2 2, ये आएगा हम लोगों का। ठीक, अब यानी कि इसके फैक्टर्स को ऐसे लिखना है, हर चीज मैंने सिखाई थी, इस फैक्टर्स को ऐसे लिखना है। अब मैंने बताया था फिर सी देखते हैं प्लस का है या माइनस का है, अगर प्लस का होगा तो फैक्टर्स को ऐड करके हम लोग क्या लाएंगे, बी लाएंगे, माइनस का होगा तो फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग क्या लेके आएंगे, बी लेके आएंगे। इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारा क्या था, 2 × 2 × 1 था, 4 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मिलेगा। तो क्या ले सकते हैं इसको हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1x माइनस का 2 लग गया। इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 1, और ये 4 माइनस 1 कहां से आया था, फैक्टर्स को यूज करके, किसको, फैक्टर्स को यूज करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 2। x से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों में से 2x कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिल जाएगा, 2x। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2।
तो यहां पे बन गया 2x माइनस का 1 और x प्लस 2, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2x माइनस 1 और x प्लस 2, क्या आएगा 2x माइनस 1 और x 2। तो देखिए यहां पे क्या बचा x माइनस 1, इसको सॉल्व करने पे क्या आया x प्लस 2 और फिर क्या आया 2x माइनस का 1, क्या आया 2x माइनस 1 बराबर fx। उफ बहुत सॉल्व हो गया, अब क्या करना है। अब मैंने कहा था जीरोस फाइंड करने, जब भी जीरोस फाइंड करेंगे तो इस fx की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, जीरो, पुट fx बराबर जीरो, पुट fx बराबर जीरो, तो क्या बनेगा x माइनस 1 x प्लस 2 और 2x माइनस 1 बराबर जीरो, ये बना। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक ब्रैकेट को एक बार जीरो के बराबर लिखेंगे, तो जब x माइनस 1 को जीरो के बराबर लिखेंगे, किसको x माइनस 1 को जीरो के बराबर लिखेंगे, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 1, ठीक। इस x प्लस 2 को जीरो के बराबर लिखेंगे, x प्लस 2 को किसके बराबर लिखेंगे, जीरो के बराबर में, तो x बराबर ये 2 उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का, कितना आएगा माइनस का 2, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 2। इस 2x प्लस 1 को, इस 2x माइनस 1 को जब हम लोग जीरो के बराबर लिखेंगे, ये बंद हो जाएगा काय का हो जाएगा प्लस का, तो 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 बाई, कितना आ गया 1 बाई 2। तो ये तीन आ गए हम लोगों के जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलीनोमियल, जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलीनोमियल। आइए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन, एक्स बराबर क्या दिया गया है, माइनस का 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3, यानी कि इसमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है, पुट करने के बाद पूरी क्वेश्चन क्या हो जाए जीरो हो जाए। तो चलिए x की जगह पे पहले जीरो रखेंगे, जब जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, यहां होगा माइनस का 3, ये जीरो नहीं होगा। x की जगह पे हम लोग रखेंगे 1, जब x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 1, तो यहां पे बचेगा 3, यहां पे बचेगा माइनस का 5, यहां बचेगा माइनस का 11, यहां बचेगा माइनस का 3, क्या ये जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा, ये कितना होगा माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 11 माइनस का 13 माइनस का 13 माइनस का 3 माइनस का 16 माइनस का 16, ठीक है। देखिए कितना है माइनस का 16। अब हम लोगों ने 1 रख लिया, अब हम लोग 1 की जगह पे रखेंगे माइनस का 1, काहे का माइनस का 1, जैसे ही x की जगह पे हम लोगों ने माइनस का 1 रखा माइनस का 1, तो यहां पे बचेगा रहेगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस के 1 का जब क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, माइनस 5, यहां पे क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस का 11 और माइनस का 3, तो ये देखिए क्या मिला माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 5 इसका 11 और प्लस का 11 कितना हो जाएगा 0, तो कितना मिल गया 0, यानी कि x की जगह पे जब माइनस का 1 रखेंगे तो ये क्यूबिक पॉलीनोमियल हम लोगों का क्या हो रहा है शून्य हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों को तीन ब्रैकेट बनाने हैं, इस माइनस के 1 को इधर लेके जाएंगे तो आएगा वह x प्लस का 1 बराबर 0, ये ब्रैकेट बन गया, तो ऐसे तीन ब्रैकेट बना के लिखेंगे x प्लस का 1 x प्लस का 1 और x प्लस का 1, ठीक। और इक्वल टू में क्या लिखेंगे fx। अब देखिए अब इस x को ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना क्या आ जाए 3x क्यूब आ जाए, तो किससे करेंगे 3x स्क्वायर से, कैसे करेंगे मैंने अभी आपको सिखाया था, एक बार मैं फिर बता देता हूं x को किससे मल्टीप्लाई करा कि क्या आ जाए 3x क्यूब, ये x नीचे जाएगा कटेगा क्या मिलेगा 3x स्क्वायर, यानी कि x को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करा 3x स्क्वायर से, क्या मिला 3x क्यूब, जब 3x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस का 3x स्क्वायर और हमको चाहिए क्या माइनस का 5x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर में ऐसा क्या ऐड या डिफरेंस करें सब्ट्रैक्ट करें कि क्या मिले माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर, माइनस के 8x स्क्वायर में 3x स्क्वायर जाएगा क्या बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर, तो यहां पे मैंने माइनस के 8 और किससे x से करेंगे, x को जब x से करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस का 8x स्क्वायर, ठीक। इसको जब 1 से करेंगे तो मिलेगा माइनस का 8x और चाहिए क्या माइनस का 11x, कितने की कमी 3 की कमी, तो माइनस के 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 11x, यहां पे देखिए 3 की कमी थी ना तो मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई करा माइनस का 3x मिला, माइनस का 3x माइनस का 8x क्या होगा माइनस का 11x, बचा क्या आखिरी में माइनस का 3, माइनस के 3 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3, तो देखिए क्या हुआ इन सब में से x प्लस 1 कॉमन मिल गया
और इधर ब्रैकेट में क्या हो गया, 3x² माइनस का 8x माइनस का 3। ठीक, ये तो हम लोगों को पता है x की वैल्यू माइनस का 1 है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और x की दो वैल्यू निकालेंगे, वही क्या होंगे इसके 0। ठीक है, अब आइए बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं और इस वीडियो में भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया था। अब बात करते हैं आखिरी हम लोग क्वेश्चन पे, अब आइए बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है और इसके जो जीरोस है वो किसमें है, एपी में, किसमें है, एपी में है। अभी इससे पहले वाली वीडियोस में, इससे पहले वाले प्लेलिस्ट में मैंने आपको एपी के कॉन्सेप्ट समझाए थे। एपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो एपी की सीरीज होती है वो क्या होती है, a, a+d, a+2d। ये सीरीज मैंने बताई थी आपको क्या होती है, एपी सीरीज। ठीक, देखिए इस सीरीज को जब इधर से इधर को देखें तो यहां पे देखिए 2d था, यहां पे d था, यहां पे एक भी d नहीं, मतलब कि यहां से यहां पे आने पे d कम हो रहा है, ऐसे आने पे d कम हो रहा है, यानी कि अगर हम लोग इसके पीछे वाले टर्म की बात करें तो उसमें से एक d कम होगा, किसमें से, इसमें से क्या होगा, a माइनस d होगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है, इधर से इधर देखा d कम हुआ, इधर से इधर देखा d कम हुआ, इसमें इसमें से तो d कम होगा, तो a माइनस d लिखा। तो अगर हम लोग बात करें क्या ये तीनों टर्म हम लोगों के एपी में नहीं, क्या ये तीनों टर्म एपी में नहीं, देखिए ध्यान से, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा डी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा डी, यानी कि ये तीनों टर्म्स किसमें है, एपी में। तो यहां से हम लोगों ने एक सीरीज और बना ली कि ए माइनस डी कॉमा ए कॉमा ए प्लस डी, ये तीनों टर्म्स किसमें है, एपी में है। ठीक, अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन पे। कहा गया है कि इस सीरीज के तीनों टर्म, जो तीनों जीरोस हैं वो किसमें है, एपी में। तो हम लोगों ने मान लिया जो अल्फा था वो क्या था, ए माइनस डी, बीटा बराबर क्या है, ए, और गामा बराबर क्या, ए प्लस डी, ये तीनों जीरोस हैं और तीनों जीरोस किसमें है, ये तीनों टर्म किसमें है, एपी में। ठीक, देखिए क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस बराबर माइनस का बी भाई, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी भाई है, माइनस का बी कितना यहां पे, माइनस का 12 है, माइनस का 12 जब यहां पुट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12। ए कितना यहां पे, 1 है, ए कितना है, 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना है, 12। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया, 12। अब अल्फा बीटा गामा की ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे, अल्फा की जगह पे लिखेंगे ए माइनस डी, बीटा की जगह पे लिखेंगे ए, गामा की जगह पे लिखेंगे ए प्लस डी बराबर 12। ये डी और ये डी कैंसिल हो रहा है, ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया, 3a बराबर 12, तो a बराबर कितना आ गया, 4, a बराबर कितना आ गया, 4, यानी कि a कितना है लोगों का, 4 है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे की, अब हमको पता है कि तीनों जीरोस का प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस का डी बाई ए, माइनस का डी बाई ए कितना है, माइनस का, माइनस माइनस प्लस का 28 अपॉन ए, ए कितना है, ए कितना है, 1 अपॉन 1, यानी कि अल्फा बीटा गामा कितना है, 28। अब इन तीनों को जरा मल्टीप्लाई करिए, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे, ए माइनस डी, फिर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस डी बराबर कितना लिखेंगे, 28। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ए माइनस डी ए प्लस डी, ए माइनस डी ए प्लस डी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, 4, ए की वैल्यू मैंने रख दी 4 बराबर 28, कट जाएगा कितना आया, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 7। ए का स्क्वायर, जरा इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 ये 7 इधर आएगा माइनस का, ये डी उधर जाएगा तो प्लस का, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बराबर आएगा 9, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो डी की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। ठीक, डी की क्या आएगी, दो वैल्यू। अब इस डी की वैल्यूज हम लोग यहां पुट कर देंगे, इस डी की वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देंगे, रखते हैं ए की जगह पे हमने 4 रखा, तो अल्फा बराबर क्या आएगा, ए की जगह पे मैंने रखा 4, तो अल्फा बराबर क्या आएगा, 4, और डी की जगह पे रखते हैं एक बार प्लस का 3, फिर एक बार रखेंगे डी की जगह पे माइनस का 3,
क्या रखेंगे, प्लस का थ्री माइनस थ्री कितना आएगा वन, ठीक। बीटा बराबर, बीटा क्या है ए, तो कितना होगा फोर। गामा बराबर, बराबर ए प्लस डी, ए कितना था हम लोगों का, ए कितना था, ए कितना था फोर, फोर प्लस थ्री कितना होगा सेवन। क्या ये तीनों टर्म्स एपी में है, हाँ ये टर्म किसमें है एपी में है, यानी कि ये गिवन सीरीज किसमें है एपी में है। अब बात करते हैं माइनस थ्री के लिए, ए की जगह पे रखेंगे फोर, डी की जगह पे रखेंगे माइनस का थ्री, तो कितना आएगा फोर माइनस माइनस का थ्री कितना होगा, अल्फा कितना आएगा फोर माइनस माइनस प्लस, प्लस का थ्री कितना आ जाएगा सेवन। बीटा कितना होगा, बीटा होगा फोर, बीटा कितना दिया गया ए, ए कितना है फोर, बीटा कितना होगा फोर, अल्फा कितना होगा सेवन। अब लास्ट बचा क्या, गामा, गामा बराबर अल्फा प्लस डी, यानी कि कहां गया अल्फा कितना है फोर प्लस डी माइनस का थ्री कितना होगा वन, कितना होगा वन। तो क्या ये तीनों टर्म्स भी एपी में नहीं है, ये तीनों टर्म्स भी नहीं है, क्या है सेवन फोर और वन, इसका डिफरेंस होगा माइनस का थ्री, इसका डिफरेंस होगा माइनस का थ्री, ये भी किसमें है एपी में, ये भी किसमें है एपी में। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया हम लोगों का ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल को अच्छे से डिस्कस करा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो बेस क्वेश्चन आ सकते हैं वो डिस्कस करें, रिलेशन बिटवीन क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोगों ने जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन पढ़ा और पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल को अच्छे से कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बची हुई क्वेश्चंस की सीरीज है उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों की कोई भी डाउट और क्यूरी है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, वहां पे जाके हम लोगों से कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।